नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड मैथ्स, जिसकी जो बेसिक हमने स्टार्ट कर दी थी। सम्मिश्र संख्याओं की कुछ बेसिक्स के बारे में हमने पिछले वीडियो में अध्ययन कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा सम्मिश्र संख्याओं का जो मापांक है, जो मोड है, वो हम किस प्रकार से निकालेंगे, सम्मिश्र संख्याओं के मापांक का सूत्र क्या होता है और उसके जो गुणधर्म हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। जो फ्री स्टडी मटेरियल है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों, हमारा जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं का जो मापांक है, मोड है, वो किस तरीके से निकालेंगे। सबसे पहले कोई भी सम्मिश्र संख्या आपको दी हुई होगी जेड, तो उसका जो मापांक हम लिखेंगे उसको लिखेंगे हम मोड ऑफ जेड। इस तरीके से हम उसको प्रदर्शित करेंगे। आप देख लीजिए, कोई भी सम्मिश्र संख्या जेड आपको दी हुई होगी उसका मापांक को हम किस तरीके से प्रदर्शित करेंगे, मोड ऑफ जेड इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो किस तरीके से हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे उसको देखिए। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या आपको दे दी जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, इस रूप की संख्याओं को क्या बोलते हो आप, सम्मिश्र संख्या। अब इसको प्रदर्शित कैसे करोगे, जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि इसके जो निर्देशांक के रूप में हम इसको कैसे लिखेंगे, ए और बी के रूप में, जहाँ पर सम्मिश्र संख्या का जो ये ए है ये क्या होता है, वास्तविक भाग, और जो बी है वो क्या होता है, काल्पनिक भाग। तो ए और बी, ये जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के जो क्रमित युग्मों के रूप में हमने लिखा है, तो इसको हम किस तरीके से निर्देशांक के रूप में हम किस तरीके से प्लॉट करेंगे वो देखिए। मैंने आपको समझाने के लिए ये लाइन खींच दी है, इस तरीके से हम इनको लिखने वाले हैं। तो ये जो अक्ष होगी एक्स अक्ष की जगह ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, रियल अक्ष, और जो ऊपर की अक्ष है वाई अक्ष, ये कौन सी अक्ष हो जाएगी, इमेजिनरी अक्ष। अब वास्तविक भाग कौन सा है, ए। तो सबसे पहले हम ए इसको प्लॉट करेंगे, ए प्लस आयोटा बी को। तो मान लेते हैं ए और आयोटा बी यहाँ पर है, ए और बी, अर्थात जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी, इसको हमने लिखा है ए और बी के रूप में। किसके रूप में लिखा है हमने, ए और बी के रूप में। मान लीजिए यहाँ पर कोई बिंदु स्थित है, तो इसकी जो मूल बिंदु से दूरी होगी, ये मूल बिंदु ओ है और ये हो गया जेड, हमने मान लिया ये बिंदु जेड है और जेड जो है वो ए प्लस आयोटा बी अर्थात ए और बी के रूप में यहाँ पर है। तो मूल बिंदु से जो इसकी दूरी होगी वो होगी क्या, ओ जेड। क्या होगी, ये ओ जेड। और ये जो ओ जेड दूरी है इसी को मापांक कहा जाता है, अर्थात अब इसकी परिभाषा भी आपको पता चल गई होगी। जो जेड जो सम्मिश्र संख्या दी हुई है उसकी मूल बिंदु से जो दूरी है वो ही क्या कहलाती है, मापांक कहलाती है। लेकिन अब ये दूरी आपको निकालनी ज़रूरी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0 0, और जो सम्मिश्र संख्या जेड दी हुई है ये बिंदु के रूप में, इसके निर्देशांक कितने हैं, ए और बी। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपने पढ़ा होगा, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, हम निकाल रहे हैं ओ जेड अर्थात मोड ऑफ जेड हम निकाल रहे हैं, और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमने पढ़ा है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर, ये आपने पढ़ा है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। अब देखिए यहाँ पर एक्स टू माइनस का एक्स वन का होल स्क्वायर अर्थात ए माइनस का 0 का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस का 0 का होल स्क्वायर। तो इसको जैसे हम हल करेंगे तो कितना आएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, मोड ऑफ जेड, या फिर हम बोल सकते हैं ओ जेड, ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो अब आपको पता चल गया होगा जो मापांक का सूत्र होगा, कोई भी आपको सम्मिश्र संख्या दी हुई होगी जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी के रूप में, तो उसका जो मोड होगा वो होगा वर्गमूल के चिन्ह के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये उसका मोड जो मापांक होगा उसका फॉर्मूला होगा। तो इस फॉर्मूले को आपको याद करना है, ये हो गया मापांक का फॉर्मूला। मैं कुछ उदाहरण के द्वारा आपको समझा देता हूँ, पहले आप इसको अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब देखिए इसके जो कुछ उदाहरण है वो मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा देता हूँ। देखिए मैंने मान लिया कोई एग्जाम्पल यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जेड बराबर आपको दे दिया जाए 5 माइनस का 12 आयोटा, या आपको दे दिया कोई
सम्मिश्र संख्या आपको दे दी जेड बराबर 5 - 12 आयोटा, और प्रश्न पूछ कह रहा है कि मोड ऑफ जेड आपको यहाँ पर निकालना है, अर्थात जेड का जो मापांक है वो आपको निकालना है, इसका मान आपको निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं कि जेड बराबर मोड ऑफ जेड बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले। अब जेड हमको दिया गया है 5 - 12 आयोटा, अर्थात ए का मान कितना है 5 और बी का मान कितना दिया गया है 12। कितना दिया गया है 12। इन दोनों के दोनों मानों को हमको इस फॉर्मूले के अंदर लिखना है। तो इसके अंदर जैसे हम लिखेंगे तो कितना आएगा, देखिए ए का स्क्वायर करेंगे अर्थात किसका स्क्वायर करेंगे 5 का स्क्वायर, और यहाँ पर किसका करेंगे 12 का स्क्वायर। तो जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 144। दोनों को जैसे हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 169, और 169 का जैसे हम वर्गमूल निकालेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 13। तो मोड ऑफ जेड का जो मान आएगा वो आएगा हमारे पास 13। तो इस तरीके से आप जो मापांक है उसको आप निकाल सकते हो, किसी भी सम्मिश्र संख्या का जो मापांक है जो मोड है वो आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इस तरीके से आप आसानी से मोड जो है वो निकाल सकते हो। अब इस मापांक के कुछ गुणधर्म होते हैं वो देखिए, इसके गुणधर्म क्या होते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मापांक के गुणधर्म के अंदर दोस्तों सबसे पहले नंबर का जो इम्पोर्टेंट गुणधर्म है, जो कि हर क्वेश्चन के अंदर मापांक से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर ज़्यादातर ये काम आता है, तो इसको आपको याद रखना है। जो मोड ऑफ जेड होता है, मोड ऑफ जेड देखिए किस किस के बराबर होता है, माइनस के मोड ऑफ जेड के बराबर होता है, अर्थात यदि मोड के अंदर माइनस का चिन्ह है तो उसको आपको प्लस का बनाना है। मोड ऑफ जेड बराबर मोड ऑफ माइनस का जेड बराबर मोड ऑफ आयोटा जेड होता है बराबर मोड ऑफ माइनस का आयोटा जेड होता है बराबर आप ऐसे बोल सकते हो मोड ऑफ जेड बार होता है। तो ये सारे के सारे जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, अर्थात इनके जो मान आएंगे वो एकदम समान आने वाले हैं। तो पहला गुणधर्म इम्पोर्टेंट गुणधर्म है जो कि काम आता है, मोड ऑफ जेड बराबर होता है माइनस मोड ऑफ जेड के आयोटा जेड मोड ऑफ के माइनस आयोटा जेड मोड ऑफ और जेड बार मोड ऑफ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये पहली कंडीशन हो गई। सेकंड नंबर पे है मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू, यदि ये आपको दिया गया है तो आप अलग अलग मोड के रूप में इसको लिख सकते हैं। मोड ऑफ जेड वन इंटू जेड टू यदि दिया गया है तो जेड वन का मोड और जेड टू का मोड का गुणनफल आपस में क्या होता है बराबर होता है। थर्ड नंबर की जो कंडीशन है वो देखिए, थर्ड नंबर की कंडीशन है इसको ही हम यदि विस्तारित रूप में लिखे जेड वन इंटू जेड टू इंटू डॉट 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 जेड एन, तो हम इसको अलग अलग रूप में लिख सकते हैं मोड ऑफ जेड वन इंटू मोड ऑफ जेड टू डॉट 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 मोड ऑफ जेड एन। तो इस तरीके से हम इसको अलग अलग रूप के अंदर लिख सकते हैं। चौथे नंबर का जो है वो है हमारे पास मोड ऑफ जेड की पावर एन, यदि ये आपको दी गई है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो मोड ऑफ जेड पहले निकालिए और इसकी पूरे की पावर एन लगा दीजिए, दोनों का जो मान होगा वो आपस में बराबर रहने वाला है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाँचवें नंबर का, मैं बता देता हूँ, यदि मोड ऑफ अंदर जेड इनवर्स दिया गया है तो आप पहले मोड ऑफ जेड निकालिए और फिर उसके ऊपर आप इनवर्स लगा सकते हो, उसका इनवर्स आप लग सकते हो। नेक्स्ट है छठे नंबर का है हमारे पास टॉपिक, यदि मोड ऑफ जेड वन बटे जेड टू यदि आपको दिया गया है तो आप इसका अलग अलग मोड लगा सकते हो, मोड ऑफ जेड वन बटे मोड ऑफ जेड टू, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो दोस्तों ये आपने देख लिए। एक और है लास्ट का, यहाँ पर एक सूत्र के रूप में मैं आपको बता देता हूँ, जेड इंटू जेड बार ये होता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर के, किसके बराबर होता है मोड ऑफ जेड स्क्वायर के। जो इम्पोर्टेंट जो सातवें फैक्ट है इसको आपको याद रखने हैं, ये काफ़ी जो परीक्षा है उसके अंदर पूछे जाते हैं और लगभग मापांक से संबंधित जो भी क्वेश्चन होता है उसके अंदर ये ज़रूर काम आते हैं। तो सबसे पहले नंबर का जो है वो इम्पोर्टेंट है, सेकंड नंबर का इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे जो सातों के सातों जो गुणधर्म है वो इम्पोर्टेंट है। इससे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सम्मिश्र संख्याओं का मापांक पढ़ा, सम्मिश्र संख्याओं के मापांक के गुणधर्म हमने यहाँ पर पढ़े। तो दोस्तों
ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल से डायरेक्ट जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद।